अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि जनता इंतजार कर रही है कि बीजेपी के खिलाफ वोट करके उसके खिलाफ विपक्ष वाले को सरकार बनाए। देखिए आपको इसमें आरोप आप पे ये लगा कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी का स्टैंड मजबूत हो इसलिए आप माइनॉरिटीज को वोट अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक सबसे बड़ा सपा का धड़ा है? नहीं, हम पहले ही ये कह चुके हैं कि MY कॉम्बिनेशन से आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आपको A to Z कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बीजेपी को टफ फाइट दे सकते हैं और तभी जाकर हम योगी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोक सकते हैं। अब ये इन लोगों पर है, मगर अगर ये समझेंगे कि 19% मुसलमान से भी इनको वोट डालता रहेगा और वो हमारे वोटों पर, मुस्लिम वोटों पर राजनीति करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। हालात बदल चुके हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पार्लियामेंट के चुनाव में सपा और बसपा मिलकर लड़े, उसके बावजूद भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाए, सिर्फ 15 सीट पार्लियामेंट से जीत पाए, जबकि 75% मुसलमानों ने आपको वोट दिया। तो ये भी तो एक रियलिटी है। इसलिए हमको ये लगता है कि आज MIM पार्टी का एक पहले से ज़्यादा MIM पार्टी स्ट्रांग है उत्तर प्रदेश में, पहले से ज़्यादा लोगों में एक्सेप्टेंस है और बहुत अच्छे काबिल बहादुर लोग हमारी पार्टी से जुड़ते जा रहे हैं। हिस्सेदारी की बात आप कह रहे हैं, क्या हिस्सेदारी? बिल्कुल हिस्सेदारी होगी, हमारी लड़ाई पूरी हिस्सेदारी की है। हम ये कह रहे हैं कि भाई हम तो वोट डालने की कोई मशीन तो नहीं है आपके लिए, आप हमको क्या हिस्सा देंगे? क्यों आज लोएस्ट लिटरेसी रेट मुसलमानों का है, महिलाओं में लोएस्ट मुस्लिम महिलाओं का है, क्यों कम ग्रेजुएट सिर्फ 2% मुसलमान है, क्यों 27% मुसलमान जेल में है, क्यों फायरिंग में ज़्यादा इनकाउंटर में मुसलमान मर जाते हैं? तो ये सब सोशल ये जो प्रॉब्लम्स है उसका रास ताल्लुक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से है, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ये पार्टीज करना नहीं चाहती उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का।